वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ न्यू ब्लॉग लेके आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं किचन का काम कर रही थी क्योंकि निसी मतलब झाड़ू पोछा का काम कर रही थी, तो मैं यहाँ पे किचन का सारा काम कर रही थी मॉर्निंग का टाइम में। क्या होता है कि मॉर्निंग में अगर मतलब जल्दी जल्दी से काम कर लो तो दिन में मतलब जल्दी काम हो जाता है और आराम से मतलब 2-4 घंटे आराम भी मिल जाती है। अगर हम सुबह सुबह थोड़ा सा मतलब लेजीपन से काम करते हैं तो वही मतलब टाइम नहीं मिलता बिल्कुल आराम करने को। तो यहाँ पे हमने सोचा हम दोनों लोग काम फटाफट से कर लेंगे तो हमको मतलब थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरी जो छोटी सिस्टर जो लखनऊ गई थी वो अभी नहीं आई है, बट आज शाम तक आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना ली है और मैं फटाफट से आटा लगा लेती हूँ, रख दूँगी, क्योंकि जब कोई खाना खाएगा तभी रोटियाँ गरम गरम बन जाएंगी। और अभी निशी का दिखाऊंगी कि निशी क्या काम कर रही है। तो हमारे यहाँ पे ये है ना कि मायके में भी हम लोग को काम करना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली में फ्रेंड्स मेरी मम्मी मेरी शादी से पहले एक्सपायर हो चुकी थी तो वो भी नहीं है, और मेरे अभी पापा की भी डेथ हो चुकी है 2 साल पहले। तो हमारे मायके में अभी कोई भी मतलब नहीं है मम्मी पापा, और मेरे मतलब भाई जो है वो हम लोग से छोटा है तो उसकी भी मैरिज नहीं हुई है। तो हम लोगों को जब हम लोग आते हैं तो अपना घर खुद ही संभालते हैं अपने मायके का भी, तो हम लोगों को मतलब काम धाम सारा कुछ अपने आप खुद से ही करना पड़ता है। तो ये नहीं कि मैं ही करती हूँ, मेरी मतलब जितनी भी सिस्टर हैं सब आती हैं, सब काम करती हैं यहाँ पे। और ये हमारे श्रेय बाबू यहाँ पे शैतानियाँ इनकी, सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ जाता है, मतलब मैं उठूँ तो ये पहले उठ जाएगा, इसको बिल्कुल नींद नहीं। तो यहाँ पे निसी पोछा लगा रही है, उसी पोछा वाली बाल्टी में अपने कपड़े निकाल के डाल दिए इसने। बस इसका यही काम रहता है कि मतलब काम करो तो 2-4 काम बढ़ाता ही रहता है इसका। सो फैमिली यहाँ पे निशी अपना क्लीनिंग का काम कर रही है, और ये हमारे भाई साहब हैं जो कि इनकी अभी मॉर्निंग हुई है तो अभी यहाँ पे इनका पेस्ट हो रहा है। तो ये मतलब इनके उठने का टाइम वही 8, 7:30, 8 का है और हम लोगों का सारा काम हो जाता है तो ये उठते हैं। तो अपनी से यहाँ से पोछा लगाएंगे अंदर के रूम से। तो फ्रेंड्स आपको ये मतलब जो सामने अलमारी दिख रही है, यहाँ पे हमारे पापा का पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे, मतलब हुआ करता था, यहाँ पे मतलब उनका सारा सामान वगैरह रहता था, तो वही अभी भी है रखा हुआ है कि यहाँ पे हमारे पापा अपना ऑफिस का काम करते थे बैठ के। तो अभी भी हम लोग वो टच वगैरह नहीं करते, कुछ भी उनका सामान वगैरह ऐसे ही रखा रहता है। और हमारे श्रेय बाबू वो यहाँ पे माइक्रोनी खा रहे हैं। चल फिनिश कर दो, मिर्चा लग रहा है पानी में। मंकी है इधर इधर फेंक दो इधर। जल्दी है जल्दी है जल्दी है जल्दी 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 फेंक दिया। मंकी को देखा पास से कैसे कर रहा था मंकी भैया, इधर देखो इधर देख इधर, मंकी ने कैसे किया। चलो सो फैमिली यहाँ पे निशी अपनी वॉश बेसिन क्लीन कर रही है, जो कि हर घर के डेली के काम होते हैं मॉर्निंग के, और इनकी शैतानियां भाई खत्म नहीं हो रही हैं। यहाँ से ये पोछा वगैरह सब कर लाई है अंदर से। अरे भाई मान जाओ, क्यों नहीं मान रहे हो, आजा आजा। यहाँ से सारा कुछ क्लीन कर लिया इन्होंने, अंदर से पोछा वगैरह सब हो गया है। अब इसकी धुलाई करेंगे आंगन की, और इधर मैं खाने का काम कर लेती हूँ फटाफट से। तो ये होता ना कि जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। और लाइट गई है चली,
अब बताओ कैसे बनाऊं, कैसे आएगा। गाइस यहाँ पे शाम के मतलब रात के टाइम 7 से 8 बजे मेरी सिस्टर जो लखनऊ गई थी वो आ चुकी हैं अपने ननद जी के यहाँ से, तो उनकी एंट्री हो रही है अभी। तो पहले ये रागी बाइट्स लेके आई हैं मिल्क में डाल के, जिसको ये पसंद होंगे तो वो ये लेगा, और चाय लेके आई हैं जिसको नमकीन खाने की वो नमकीन लेगा। ये तो खा चुका तो अभी हमारा लंच हो चुका है। लंच में आज बनी थी खिचड़ी, हम लोगों ने अभी खिचड़ी जो सब खा ली है, किचन क्लीन हो रही है। सो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो यहाँ पे टाइल्स हमारी काली हो गए, तो ये इसका रीज़न क्या है, निसी ने क्या किया था, इन्होंने दाल में तड़का लगाने के लिए तेल गर्म कर रही थी और ये गैस पर रख के गई थी भूल। तो ये खुद ही बताएंगे इन्होंने क्या किया था, इनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। कुछ नहीं, ये सब बातें कर रहे थे मिलके बैठ के, तो हम भी यहाँ पे गैस पे तेल चढ़ा दिया और हम बातें सुनने लग गए, तो कुछ नहीं वही तेल जल गया सारा। आग लगने लगी थी, कहाँ तक आग लगी थी, आग लग गई थी यहाँ तक, ये सारे मतलब काला काला पूरे किचन में धुआं धुआं हो रखा था, हम तो डर गए आके। फिर क्या डांट पड़ी, अच्छी वाली इनकी डांट पड़ी, तो इनकी अच्छी वाली डांट हमने डांटा मतलब। तो फैमिली कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग्स, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।